शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नहीं, आप हमारे डैडी नहीं हो सकते। ये नन्हे फरिश्ते मुझे यहाँ ले आए। Don't be a fool, राहुल। ये पैसा रख लो। आई होप कि तुम और बच्चे एक्सीडेंट के सदमे से बाहर निकल गए होंगे। गुड, वेरी गुड। चलो तो फिर काम की बातें करते हैं। कम ऑन। तुम्हारे जीजा जी और तुम्हारी बहन ने ये वसीयत नामा बनवाया था जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम्हारे जीजा जी का एक घर और एक रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री है जो उनके मरने के बाद उनके तीन बच्चों को बराबर के हिस्सों में मिलती है। अब क्योंकि बच्चे नाबालिग है, इस जायदाद की रखवाली तुम्हें करनी पड़ेगी। एंड नाउ, जब तक ये बच्चे बालिग नहीं हो जाते, ये सारा कारोबार तुम्हें संभालना पड़ेगा। लेकिन सर, इस सब मैं कैसे करूंगा? आप तो जानते हैं कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर आया हूँ। अभी तक ठीक से बच्चों को जान नहीं पाया हूँ। ये सब कैसे करूंगा मैं? उसकी चिंता तुम मत करो। उसके लिए मैंने एक आदमी रखा है जो जापान से ट्रेनिंग लेकर आया, वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम एक काम करो ना, कल सुबह फैक्ट्री में 10 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारी मुलाकात तुझसे करवा दूंगा। ओके, हैव सम टी। ये बताओ कि बच्चों के साथ तुम्हारी कैसी बन रही है? जरा लाड़ प्यार में पले, लेकिन ठीक है। सनी, 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 इधर आओ। कब से बुला रहे हो तुम्हें? अरे भागो,
अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? साहब हम लोग जा रहे हैं, हमें नहीं करनी नौकरी वोकरी। देखिए बच्चा है, कभी कभी शैतानी कर लेते हैं। बच्चा है? अरे शैतान है शैतान, हमको यहाँ नौकरी नहीं करनी। चलो भागो भागो भागो। किसने किया ये सब? मैं पूछ रहा हूं किसने किया ये सब? और ये क्या लगाया चेहरे पर? निकालो ये सब और जवाब दो, किसने किया ये सब? अच्छा तो तुम लोगों को मजाक सोच रहा है? चलो उतरो और सुबह सीधा करो। और बैठिए आप लोग, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने पांचवें नौकर और तीसरे खाना पकाने वाले को घर से भागते हुए देखा। ठीक से बैठो, पैर नीचे करो। पिछले एक महीने से कोई भी नौकर इस घर में टिकने के लिए तैयार नहीं है, आप लोगों की वजह से। देखो अब मैं सिर्फ तुम लोगों का मामा नहीं, तुम लोगों का डैडी भी मैं ही हूं। नहीं, आप हमारे डैडी नहीं हो सकते। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा डैडी नहीं हो सकता, लेकिन जितना प्यार तुम्हारे मम्मी डैडी तुमसे करते थे उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करता हूं। झूठ, आप हमें इतना प्यार नहीं दे सकते। ये पार्क जैसे हैंगिंग गार्डन कहते हैं, जानते हैं उसका असली नाम कमला नेहरू पार्क है। कमला जी कौन थी पता है? नहीं। अरे श्रीमती कमला नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी थी। उनका जन्म सन 1899 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। ये पार्क उन्हीं की याद ताजा रखने के लिए बनाया गया है। अरे सनी कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? आप हमेशा मरे हुए लोगों की बात क्यों करते हैं? सॉरी। अच्छा चलो हम लोग म्यूजियम चलते हैं। म्यूजियम क्या होता है? अरे म्यूजियम में एक से एक पुरानी चीजें होती हैं। वो लोग जो मर जाते हैं वो सॉरी नहीं म्यूजियम नहीं, हम लोग म्यूजिकल शो चलते हैं। म्यूजिकल शो। गंगा तरंगो अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए। सनी, विक्की और मुन्नी, आप लोग जहां कहीं भी हो
कृपया करके स्टेज पर आ जाइए, आपके मामा आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई आप ही कमाल के आदमी हैं, अगर मैं बाथरूम ही भेजना था तो आपको भी साथ चले जाना था, हमें ये परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती ना। मैं माफी चाहता हूँ लेकिन अगर वो देखिए लेकिन वेकिन से कुछ नहीं होगा, आप फौरन जाइए और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए, यहाँ पे खड़े रहने से तो बच्चे नहीं मिलेंगे ना। हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ आए तो उन्हें रोक के रखिएगा। हाँ मैं रोक कर रखूंगा, आप जाइए। वंडरफुल डांसर, सचमुच आप कामदेव लगता है, क्या कला है, क्या आपका अंग अंग का मूवमेंट, सो फैंटास्टिक। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बड़ा दिन है आज, मैं इतना बड़ा इंटरनेशनली फेमस कलाकार के साथ स्टेज पर डांस प्रोग्राम किया है। रियली सर? रियली? आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं, एक बिजनेसमैन होते हुए भी कला के प्रति इतनी रुचि कमाल है, इट्स माय ऑनर। ओह नो नो, ऐसे नहीं बोलते सर। वजेंद्र कम हियर। नटराजन जी इनसे मिलिए, ये हमारा बेटी है वजेंद्र। वाह 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 वाह, जैसा बाप गुणी वैसा बेटी सर्वगुण संपन्न। सुंदरी वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ हमारे पास। आप हाथ हिलाए बगैर बात नहीं कर सकते, डांस प्रोग्राम खत्म हो चुका है। गुड जोक, बड़ी हसमुख है आपकी बेटी, वेरी स्वीट। सुंदरी तुम भी कलाकार हो क्या? हाँ मैं कराटे जानती हूँ। सेकेंड जोक। राजा जी एक्सक्यूज मी। मैं भी तंग आ चुकी हूँ अप्पा, आपके इन बड़े बड़े लोगों से मिलकर। मैं किसी मामूली आदमी को मिलना चाहती हूँ, मामूली जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं भी। बर, बस बस कर लो कर, गो नाउ गो नाउ। चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मामा जी लो अब ये टूट गए। ओफो इधर लाओ जल्दी, आओ ले आओ घूमो। मामा जी नाश्ता कहाँ है? टेबल पर विकी, और कहाँ? ए, क्या हो? एक लाऊंगा रुई। ए, क्या मस्ती करो तुम लोग, बैठो तो बैठो। विकी विकी देख मेला, मस्ती करो तुम लोग, कोई मेरे में नहीं जाएगा। अच्छा अगर तुम लोग प्रॉमिस करते हो तुम लोग मस्ती नहीं करोगे तो मैं तुम लोग आज शाम को मेला ले जाऊंगा। बाय बेटे। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम लोग स्कूल की बस से घर आ जाना। ओके मामा जी इधर आओ नीचे। क्या बात है भाई, हाँ बड़ा प्यारा रहा है आज। जाने मन एक किस हमें भी दे दो। हाय माया, तुम यहाँ? सही कहते हैं कि सच्चे दिल से कोई चीज मांगो तो मिल ही जाती है, वरना इस तरह तुम मुझे बंबई की सड़कों पे मिलते। माया मेरे कॉलेज की पुरानी दोस्त है, पुरानी दोस्त है। इन्हें रुखसत करो, चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं। अब आज नहीं, अब मैं जरा बिजी हूँ, फिर कभी। तुम्हारा फिर कभी कभी नहीं आएगा, चलो अब, चलो चलो। माया सचमुच तुम में और इन बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो कहीं अकेले मिलो तो पता चले कि फर्क है या नहीं। अब अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कोई एड्रेस पता कोई टेलीफोन नंबर तो दो। हाँ फोन नंबर, फोन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। 6093736। थैंक यू, दैट्स अ गुड बॉय। बाय बाय। क्या जरूरत थी उसको फोन नंबर देने की, मारो क्या एक? आपके कॉलेज की फ्रेंड जो है। चुप रहो, चलो अंदर जाओ। मैं चलता हूँ। ओके लो आ गया। यही है क्या?
सॉरी मुझे देर हो गई, उस तरह बच्चों को स्कूल छोड़ना था इसलिए मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनसे मिलो, ये है मिस्टर मिश्रा। हेलो हेलो। बस बस बस। माय फुल नेम इज वीपी मिश्रा जे आर, मीनिंग भगवती प्रसाद मिश्रा जे आर, लेकिन आप हमें वीपी कह सकते हैं। जी मैं आपको मिश्रा जी कहूंगा। नेवर माइंड, लेकिन आप हमें मिश्रा जी आर को हैं, दैट इज माय बी। मिश्रा जी, आप लोगों के पास पूरा दिन है, बाद में तय कर लेना कौन किसको किस नाम से पुकारेगा। आई अंडरस्टैंड ईच एवरीथिंग, व्हाट आर यू सेइंग। मिश्रा जी मातृभाषा में बोलिए, अंग्रेजी कम। ओके ओके। राहुल साहब को पूरी फैक्ट्री का कामकाज बराबर समझा देना। डू नॉट वरी यू, हम बहुत समझता हूं, हम सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा। ऑल द बेस्ट, जरा संभाल लेना। ओके ओके ओके, फॉरवर्ड सर। आई विल एक्सप्लेन यू। वेलकम सर, वेलकम। हाय, क्या बात है, इतना चिकना मालिक तो हमने पहली बार ही देखा। हाय, मैं तो मर गई यार। क्या आपकी शादी हो गई? जी जी नहीं। क्या कहीं टाका भिड़ा हुआ है? तू क्या पूछती यार, तेरी शादी तो हो चुकी है, तेरी छोटी बहन तो है। क्या हमारे नए साहब का वेलकम कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, प्लीज नहीं कीजिए ऐसा। टेलीफोन टेलीफोन, हम देखता हूँ। हेलो, कौन बोलते हैं? अरे बिदनानी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वन मिनट वन मिनट, सुनिए राहुल बाबू, आपके लिए मिस्टर बिदनानी के फोन है, ये वही है जिन्होंने हमें सेट बनाने का ऑर्डर दिया है, आप बात कीजिए। हेलो, मैं राहुल मल्होत्रा बोल रहा हूँ, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बुआ, चढ़िया हो गया है क्या, क्या कर सकता है, बड़ी वो भी हमसे पूछेगा क्या? अरे बाबा, पिछले 3 महीने से हमारा ऑर्डर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, क्या हुआ उसका, कब खत्म होगा, बड़ी कुछ तो रिस्पॉन्स होना चाहिए। नहीं देखिए, मैं आज ही आया हूँ, मैं सब पता करके आपसे कल मिलूंगा। अरे बड़ी कल क्यों, यही तो प्रॉब्लम है आजकल के यंग लोगों के साथ, काम चोर बन गए हो, काम चोर। अरे मुझको देखो, 10 बजे रात तक ऑफिस में बैठता हूँ, तू आज मिल मुझको, आज। ठीक है, मैं आज ही आता हूँ। हाँ, अरे समझी भी भाई, 8 बजे मुखे चेंबूर क्लब में मिल। हाय हाय, ये देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लाया हूँ, पिज्जास एंड पेस्ट्रीज। मामा जी, आपको कुछ नया नया नहीं लग रहा है? हाँ लग तो रहा है, कुछ टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, तुम लोग लड़ झगड़ नहीं रहे हो, आई लाइक इट। मामा जी, आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? आपने तो वादा किया था कि अगर हम शरारत नहीं करेंगे तो आप हमें मेला दिखाने ले जाएंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। क्या? वो एक मेरी बिजनेस मीटिंग है। तो मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। मगर आपने तो वादा किया था। हाँ वादा तो किया था, लेकिन आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं मामा जी। hey, देखो मैं तुम लोग को मेले में कर ले जाऊंगा, अभी खाना खाओ और आवाज नहीं चाहिए, समझे? कम ऑन, खाना खा लो। बदतमीज बच्चे, चलो अपने कमरे में, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मुन्नी, चलो चलो अंदर, तुम लोगों की यही सजा है कि तुम लोग कमरे में बंद रहो। नॉनसेंस। हेलो बेबी। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है ना पार्टी में। मैं बोर हो रही हूँ। रियली रियली, इस किस्म की पार्टी में तो घुटन होती ही है, बाहर कितना प्लेजेंट है ना, सो क्वाइट सो लविंग। नटराजन। यस बेबी। तुम ट्रेन में पैदा हुए थे क्या? क्यों बेबी, तुम हिले बगैर बात नहीं कर सकते?
What a joke. Very sweet. एक बात पूछूं बेबी? क्या बात है? तुम्हें यूरोप पसंद है या अमेरिका? क्यों? हनीमून पे कहाँ जाना है ये डिसाइड तो करना होगा ना। किसका हनीमून? हमारा, I mean, तुम्हारा मेरा, हमारी शादी जो होने वाली है, हनीमून तो होगा ना। अब तुम शर्माना नहीं बेबी। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अप्पा ने। अप्पा ने? अप्पा ने? अप्पा ने। अयो, ये क्या है? क्या है? What's that? आपने मेरी शादी कैसे फिक्स कर दी? तुम्हारे शादी का एज हो गया, इसलिए मैं तुम्हारा शादी फिक्स किया। ठीक है, लेकिन मैं इस कार्टून से शादी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेंगी? What's wrong with him? जवान है, फेमस है, बिजनेस नायर, नटराजन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। परफेक्ट? माय फुट! इसका एक एक अंग टेढ़ा है, ऊंट की तरह। सेकंड जोक, हाउ स्वीट। शट अप! बीच में बोला तो स्विमिंग पूल में फेंक दूंगी। हेल्प मी सर। भजन जी, बिहेव योरसेल्फ। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। नहीं होना कल्याण पंडित के दाम वड़म। मुड़ियाते, मुड़ियाते, मुड़ियाते। मुड़ियाते, जब आएंगे, वो ने ना बंदरे ने बारे पो। तोड़ जी पुरे, ने गेस्ट भी ना जाओ मारे पड़ते रिया। ना यार तेरी मारुंगे, फिर ना जी मारुंगे। नींग कृष्ण मूर्ति आया ना, ना विजयंती आया। ये मुड़ी में मात मुड़ियाते। नटराजन, मर जाऊंगी तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। वो ने ना बंदरे पर, बूटे कोड़ा पूटे पूटे, ना मारे तेरी मारुंगे। बुला बो, दिस अ प्लेस फॉर यू। क्या समझते हैं मामा अपने आपको? हम मेले में नहीं जा सकते, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। कैसे जाएंगे विकी? बाहर से दरवाजा बंद किया है मामा जी ने। विकी, मुन्नी, विंडो खुली है। चल चल मुन्नी, चल। हरी अब विकी, हरी अब, चल जल्दी चल, चल चल जल्दी चलो। ये न फूट नहीं ला, ना यार न प्रूफ बन रही। देखो बाबा, हम तो तुम्हारा बिरादर ला को ऑर्डर दिया है, उस बात को आज बराबर 3 महीना हुआ। जी सर, लेकिन सर उनकी डेथ हो गई और इसलिए। अरे बर्थ और डेथ तो होता ही रहता है। बैठो बैठो बैठो। इसका मतलब क्या कि हम धंधा ही रोक देवे? बड़ी पिछले महीने ही मेरी मदर का डेथ हुआ और बाप भी तो मरने वाला है। आई एम सॉरी सर, अब कैसी तबीयत है उनकी? अरे उनकी तबीयत है तेरे को क्या, तू थोड़ी जानता था उनको? अरे बाबा बोला ना अस्पताल में है, बहुत पैसा जाता है, डाटो खर्चो थी दवाए। जी सर, खर्चा तो होगा। और एक तुम है जो हमारा ऑर्डर नहीं देता है। सर मैं कल ही पता करता हूँ कि आपके ऑर्डर का क्या हुआ। मैं चलता हूँ सर। बड़ी तरह से छोड़ा कितने तो वही आने, मेरी बात सुनो। क्या है? 2 रुपए में कितने ग्राम भजिया मिलेंगे? 50 ग्राम। 50 ग्राम? 50 ग्राम में हम क्या खाएंगे? 300 ग्राम क्यों नहीं? 300 ग्राम नहीं मिलेगा, 2 रुपए में 50 ग्राम मिलता है, बोला ना। अरे क्यों नहीं मिलता? अरे चलना फूट यहाँ से, धंधे के टाइम में खोटा करता। अरे यार हमारा भी खोटा करता। अरे जा 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 प्लीज क्या है कि रोक्सनी को चुप। अरे चाय देना भाई, लाया। चोर के घर चोर। वैजंती, सनी, बुन्नी, विकी। डाला। अरे यार सनी, सनी रुक जा, मैं ट्राई करती हूँ।
अरे सनी, तुम्हारे डैडी पुलिस कमिश्नर कितने खुश होंगे। अरे जल्दी करो, डैडी वेट करते होंगे। ए गोयल, हाँ भाई, इसी तरह धंधा करता रहा ना तो दिवाला निकल जाएगा तेरा। क्यों, क्या हो भाई? वो लड़की है ना हारमोनिका लेके गई, उल्लू बना गई तेरे को। क्या गाना सुना है आपने बैठिए आप, और आओ आपके सामने, अरे वाह, एक खूबसूरत हसीना और तीन प्यारे से बच्चे। तो साहिबान, ये देखना है कि ईस्ट वेस्ट एयरलाइन की ओर से जो इनाम रखे गए वो किसे मिलते हैं, कौन बंबई से दिल्ली जाता है, कौन पटना और कौन पुणे। तो मिस, आप गाएंगी कौन सा गाना? गाना समझ गया मैं, सस्पेंस रखना चाहती है आप, कोई बात नहीं। तो साहिबान, दिल थाम के बैठिए, शुरू हो जाइए। चुप रहो। अब क्या करे? मुझे क्या मालूम, अब मुझे कुछ नहीं पता। विकी, तुम ही कुछ शुरू करो। तुम दोनों मार हो गए क्या? मुझे कोई गाना नहीं आता। गाना नहीं तो गाना ही होगा।
देर हो चुकी है, चलो घर चले। अच्छा दीदी, थैंक यू, बाय बाय। बाय, थैंक यू वेरी मच। अरे तुम लोग जा रहे हो? हाँ। घर जा रहे हो? हाँ। मगर मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तो हमारे घर चलो। चलो हमारे घर। मगर तुम्हारे मम्मी डैडी? हमारे मम्मी डैडी तो नहीं है, हाँ मगर एक कंस मामा है। हाँ। मगर तुम डरो नहीं, हमारा घर है ना। मामा चिल्लाएगा तो? अरे चिल्लाएंगे कैसे, हम इन्हें छुपा देंगे ना। हाँ। चलो दीदी प्लीज चलो ना। तो फिर चलो। चलो। मामा तो नहीं गए? नहीं, मामा जी की गाड़ी तो नहीं है। मामा की गाड़ी? विकी, मुन्नी। और फिर राजा ने रानी से कहा। क्या कहा? हेलो मामा। हेलो मामा। हेलो मामा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को उस कमरे में बंद करके गया था। नहीं मामा, आपने तो हमें इसी कमरे में बंद किया था। हाँ, आपने तो हमें इसी कमरे में बंद किया था। क्यों मुन्नी? हाँ हाँ, इसी कमरे में बंद किया था आपने। अच्छा, खैर देखो, इस तरह कमरे में बंद करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम लोग मस्ती मत क्या करो। ओके, अब जाओ, बहुत देर हो गई, जाओ। चलो चलो सनी, चलो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? मामा जी मुझे भूख लगी है। अच्छा, अब भूख लग रही है? उस वक्त जब मैं खाना लाया था तो बदतमीजी कर रहे थे तुम लोग, अब मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? सॉरी मामा जी, दूध भी चलेगा, चलो ना। चलो। ये लो। बस मामा, पेट भर गया। क्या? अब इसको दूध नहीं पीना है? कमाल करते हो तुम लोग। चलो सो जाओ। देखो अगर तुम लोग अच्छे से रहोगे तो मैं तुम लोगों को कल मेले में ले जाऊंगा। ओके मामा। ओके ओके मामा। गुड नाइट। बाय। सी यू। गुड नाइट। थैंक यू। बाय। सी यू। गुड नाइट मामा। వైజయంతి అమ్మా, వైజయంతి నీ ఎంగే మరిక, వైజయంతి అమ్మా, వైజయంతి 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 ఎంగే మా పోనే, వేర్ ఆర్ యూ, వై హావ్ అయ్యో వైజయంతి అమ్మా ఎంగే మా పోనే, డే గోపాలా கடவுளே.
चलो उठो तुम लोग, स्कूल का टाइम हो गया। चलो विकी उठो। ओ, क्या हालत कर दी तुम लोगों ने कमरे की। इतनी बार बोला है कि कैरम खेलने के बाद एक जगह रख दिया करो, लेकिन वहीं खेल के वहीं छोड़। चलो उठो, जब तक मैं तुम लोगों का बैग बनाता हूँ। जब मैं तुम लोग की उम्र का था तो हर काम खुद करता था, हर चीज अपनी अपनी जगह पे। अब तुम लोग किताब पे अपना नाम नहीं लिखते। ए, तुम तो यहाँ बेड पे सो रहे थे ना, तुम बाथरूम से कैसे निकले? क्या, मैं तो बाथरूम में ही था। तुम इस तरह किचन में भागकर क्यों है? मैंने सोचा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, चाय का सामान टेबल पर रखो और प्लेट्स रखो, मैं नाश्ता बनाता हूँ। क्या हो गया इस देश को? चाय की पत्ती कहाँ है? कवर में होगी। ये सामान टेबल पे रख दो और सनी को तैयार करो। चलो चलो, नाश्ता रेडी है। ये लो तुम दोनों के ऑमलेट, तुम्हारा बॉयल अंडा, दूध गर्म है, संभाल के पीना। हे, मेरा टोस्ट कहाँ है? आपने लिया ही नहीं मामा जी, आजकल आप सब भूलने लग गए। अब अंडा तो मैंने लिया था, अंडा कहाँ गया मेरा? लो, अभी तो खाया था अंडा, फिर भूल गए। शाम को डॉक्टर के पास जरूर जाना मामा जी। सब समझता हूँ मैं। चलो जल्दी खाओ, स्कूल जाना है। मुझे तो बुखार है मामा जी, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? बुखार है? तुम्हारा बदन तो ठंडा है मामा जी, इसे तो ऐसा ही बुखार आता है, बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म। अच्छा, अभी थर्मामीटर लाता हूँ, देखते हैं कितना बुखार है तुमको। मामा को उल्लू समझा? कैसा है? और चलिए, दूध भी है, पियोगी? अब देखते हैं कितना बुखार है तुमको। इधर आओ, मुंह खोलो। तूने मेरा टोस्ट क्यों खाया? मैंने नहीं खाया। और ये ऑमलेट, ये किसने खाया? अगर मैंने खा भी लिया तो क्या हुआ, मैं तेरी सिस्टर हूँ ना। अरे चलो चुपचाप। अरे इसको तो सचमुच बुखार है। अच्छा तुम घर पे रहना, और विकी तुम और मुन्नी भी घर पे रहना, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। ओके ओके मामा जी। नाश्ता खत्म करके सामान आधे रख देना, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ।
और खबरदार जो तुम घर से बाहर निकले तो समझे। ओके मामा जी, बाय बाय। कंपनी ने हमें 1,00,000 शर्ट्स का ऑर्डर दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे। आई विल एक्सप्लेन यू। राहुल साहब, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम 4 साल जापान में ट्रेनिंग लिया हूँ, तो वहाँ के एक्सपीरियंस को हम यहाँ भी यूज किया हूँ। आई सी। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान में हर पुर्जा हर पार्ट अलग अलग हिस्से में अलग अलग सेक्शन में बनते हैं, फिर हर पुर्जे को हर पार्ट को एक जगह लाकर के जोड़ देते हैं। हम यहां भी वैसे ही किया हूं। लेकिन आप जानते हैं ये भारत है, है? और हम इंडियन हैं, तो हमारे यहाँ फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है ना, तो हम एक बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया लगाया। हम क्या किया हूं? हम सोचा हूं कि हम पहले शर्ट का एक हिस्सा बनाऊंगा, फिर दूसरा हिस्सा बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा, फिर चौथा बनाऊंगा और सब एक साथ जोड़ दूंगा। लेकिन राहुल साहब, क्या है कि एक प्रॉब्लम खड़े हो गए। क्या प्रॉब्लम? ऐसा हो गया है कि सबसे पहले हम 1,00,000 कॉलर बना लिया हूं। क्या 1,00,000 कॉलर सबसे पहले तैयार कर लिया हूं, और अब ऐसा है कि पैसा भी खत्म और कपड़ा भी खत्म, और अब पैसा और अब जब तक और पैसे नहीं आए और कपड़ा नहीं आए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत समझदार है आप, बहुत इंटेलिजेंट है आप, पर आप एक नंबर के गधे, इडियट और डफर हैं। ठीक है, हम चलता हूं अंदर फैक्ट्री में। खबरदार, जो आप फैक्ट्री में गए तो बैठे यहां पे। यकीन नहीं आ रहा मुझे आपने क्या किया। एक तो घर पर बच्चे, और यहां आप एक काम करिए, आप मेरे घर जाइए, वहां 3 बच्चे हैं, उनका ख्याल रखिए, और रास्ते में कुछ खाना ले जाइए उनके लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। हम 3 बच्चों को संभाल लूंगा। जब हम यहाँ 40-40 को संभालता हूँ तो 3 क्या है? जब हम जापान में थे ना तो शट अप, चुप। जापान 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 का नाम नहीं सुनना चाहता मैं। ये लो मामा के कपड़े, कोई भी पहन लो। ये चाहिए? ये पहन लो। अच्छा, ये पहन लो। हाँ, ये नहीं 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 नहीं, ये गंदा है। ये चाहिए? ये चाहिए? ये ठीक लग रहा है, देता हूँ। ये क्या है? ये उसका कुर्ता है, ये इसका पजामा। ये नहीं, ये पजामा है, ये कुर्ता है। हाँ, अरे जो भी है ठीक है, ये पहनो ना। ठीक है, हाँ चलेगा। अच्छा, बाकी कपड़े वापस रख दो। चलो चलो जल्दी रख दो। कौन है? ओ, विंडो से बोलते हैं। हेलो, सो स्वीट। देखिए, आपके मामा जी ने हमको भेजे हैं आपके आफ्टर लुक के लिए, मीनिंग आपकी देखभाल करने के लिए। हमारा फुल नेम बीपी मिश्रा है, हम जापान से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। बहुत ही फंटास्टिक फूल लाया हूँ हम, आप भी लीजिए ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, हम पानी लाना तो भूल ही गया हूँ। आई विल ब्रिंग द वाटर, है हम अभी आता हूँ। अरे वाह, खाना बहुत अच्छा है। कौन लाया? हम लाया हूँ। आप लाए हैं? आप लाए हैं? एक, दो, 3, 4। 1, 2, 3, 4। राहुल बाबू तो बोले थे 3 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ तो 4 बच्चे हैं। लगता है हम गलत सुन लिए थे। यस, कहिए। क्या ये मिस्टर चोपड़ा का घर है? नो, जी नहीं, ये राहुल मल्होत्रा के घर है। किसी ने हमको बोला था ये मिस्टर चोपड़ा का घर है। बोलिए ना, बोलिए ना, बात क्या है, बात क्या है, बोलिए ना। देखिए, हमारा बेटी लापता है। अब मुनि के उसका नाम है वाइजेन। किसी ने हमको बोला है मिस्टर चोपड़ा का 3 बच्चों का साथ कल उसको देखा, इसलिए मैं आया। एब्सोल्युटली रॉन्ग हैं आप। पहले तो ये मिस्टर चोपड़ा के घर नहीं, मल्होत्रा के घर है। और दूसरी बात, यहाँ 3 नहीं 4 बच्चे रहते हैं। 4। आई एम सॉरी, लेट अस गो। मिस्टर नाट, यू आर ऑलवेज वेलकम। आसपास हो गई।
मिश्रा जी यहाँ पुलिस क्यों आई थी? जी वो लोग यहाँ पर तीन बच्चों वाला घर ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हम बोल दिए कि यहाँ पर तीन नहीं चार बच्चे रहते हैं। क्या मिश्रा जी, आप बेवकूफी नहीं, इडियट ही नहीं, एक नंबर के झूठे इंसान है। यहाँ चार नहीं तीन बच्चे रहते हैं, कमाल करते हैं आप। तके 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 राव बाबू तके, चलिए हम बेवकूफ हो सकता हूँ, इडियट हो सकता हूँ, मूर्ख भी हो सकता हूँ, लेकिन हम झूठा नहीं हूँ, नहीं हूँ हम झूठा। आप अभी जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए, मैं आपसे कल फैक्ट्री में मिलूंगा। चलिए हम जाता हूँ, लेकिन हम झूठा नहीं हूँ। ठीक है, हम भगवान कसम खा के कहता हूँ कि हम झूठा नहीं हूँ। आप जाइए, आप चार बच्चों को तीन बच्चे कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हम झूठा हूँ, बोलिए। ओ सनी, अरे जाओ जाओ नहीं तो अंदर आ जाएंगे। बुखार कैसा तुम्हारा? आपके जाते ही ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, मैं मुंह धो के आता हूँ, फिर पढ़ाई करेंगे। हाँ आज स्कूल जाने के। क्या करेंगे? विकी ये क्या है? क्या मेरे कमरे कैसे हाथ लगाया? मुझे क्या मालूम। हाँ वो मिश्रा जी गए थे आपके कमरे में। हाँ मामा जी, वो आपके कपड़े देख रहे थे। क्यों सनी? ये मिश्रा की तो मैं उसकी हिम्मत कैसी मेरी कबर खुलने की। ये लड़की का ड्रेस मेरे कमरे में कैसे आया? यही तो सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि लड़की का ड्रेस आपके कमरे में कैसे आया? क्या? चुप रहो, बदतमीज। हेलो, हेलो, कौन? मे स्पीक टू राहुल प्लीज। एक मिनट मामा जी। क्या है? किसी लड़की का फोन है आपके लिए। लड़की का? पूछू कहीं उसी की फ्रॉक तो नहीं? इधर लो। हेलो। हाय हैंसम, उस दिन तो हाथ से निकल गए थे तुम, आज तो आ जाओ। वी विल हैव ग्रेट फन, तुम्हें पिताजी से भी मिलवा दूंगी। आ रहे हो ना तुम? देखो माया। क्या? देखो माया, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। राहुल, दिन में पूछो तो काम है, रात में पूछो तो काम है। चलो नीचे उतरो। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं देखो मैं इस वक्त नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ नहीं आ रहे हो तो मैं वहां आ रही हूँ। हेलो माया। चलो जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। चलो इतनी जल्दी? आपने तो कहा था कि लेसन करेंगे। नहीं नहीं लेसन आज नहीं करेंगे, आज मैं थक गया हूँ, कल करेंगे। चलो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे सामने 1,00,000 शर्ट्स का ऑर्डर है जो हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। कल तक ये जिम्मेदारी श्री भगवती प्रसाद मिश्रा की थी। लेकिन आज से मैंने ये फैक्ट्री का चार्ज पूरी तरह से ले लिया है। आज के बाद मैं और आप एक साथ मिलकर ये काम पूरा करेंगे। आप साथ हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और हम भी तो तैयार हैं चिकने। मेरा मतलब है हमें मेहनत, लगन और ईमानदारी से फैक्ट्री को चलाना है। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम कर चलें तो हाथ पकड़ने का मजा आ जाएगा। देखिए मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये कि हमारी जान हाजिर है जी। जान नहीं, मुझे शर्ट चाहिए, कमीज। तो हमारा दिल ले लो। दिल नहीं, मुझे शर्ट चाहिए। शर्ट क्या चीज है जी, सब कुछ तो तुम्हारा है। Now listen girls, please understand. First things first, I only want a shirt. चिकनी सूरत तू कहाँ था, अब तलक ये बता।
सुबह से शाम करो जी, फैक्ट्री ना बदनाम करो जी, चलो बैठ के काम करो जी, ऐसे ना आराम करो जी। वक्त अभी जो ढल जाएगा फिर ना दोबारा कल आएगा, सुन लो मेरी बात जरा, कैसे कैसे सपने लेके मैं यहाँ पे आया आया। देख के इन आफत की कुड़ियों को मैं तो घबराया, हाँ मैं तो घबराया। Your beauties, you must do your duties, and don't you trouble me like this anymore. Cause if I get angry, I promise you one thing, I'll surely be throwing you out of the door. Help me, help me, help me, oh God. Help me, help me, help me. मुझको बचा, इन हसीनों से मुझको बचा। चिकनी सूरत तू कहाँ था अब तलक ये बता, ए चिकनी सूरत तू कहाँ थी अब तलक। जल्दी कर राहुल, जल्दी सो जा, इससे पहले कि वो जोगमाया आ जाए। जल्दी सो जा, जल्दी 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 सो जा। जल तो जलाल तू आई बाला को डाल, तो जल तो जलाल तू आई बाला को डाल। तो रात को 8 बजे बत्ती बंद, लगता है घर में कोई नहीं है। हमको झूठा बोले हैं राहुल बाबू, हम चुप नहीं बैठूंगा, हम आपको 4 बच्चा दिखाऊंगा। आई विल सी यू 4। हम आ रहा हूं राहुल बाबू, हम आ रहा हूं। पहले पेट भरूंगा फिर घर साफ करूंगा। दरवाजा
दरवाजा खुला छोड़कर सो गए। How sweet. तुम आ गई? अरे बच्चों ने तुम्हें देखा तो नहीं? हाँ? सब सो गए हैं। बड़े कमाल की चीज हो तुम, मेरे आने से पहले ही बच्चों को सुला दिया। How naughty. चार बच्चा दिखा के रहूंगा राहुल बाबू, अपने माथे में लगा कलंगा टीका मिठा के रहूंगा। आई विल सी यू फोर, 1 2 3 4। देखो माया, तुमको लगता नहीं कि बहुत रात हो गई? तुम भी सिले, अभी तो रात जवां है। तुम हो, मैं हूँ और हम दोनों आसपास हैं। माया, हमको जरूर से ज्यादा पास पास है। जल्दी, मैं चुप था। नहीं नहीं, तुम चुप जल्दी। और देखो जो तुम्हें आओ नहीं, दरवाजा मत खोलना। हाँ, चोर कहाँ है? चोर किधर है? चोर कहाँ है? चोर हमारी बातें नहीं सुनता है, हमको चोर बोलते हैं। चल आप मिश्रा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तो आपको प्रूफ करने आए थे कि हम झूठा नहीं हूँ, और आपके घर में 3 नहीं 4 बच्चे हैं। देखे आप एक नहीं है? अरे मिश्रा, यही 3 मेरे बच्चे हैं, और वो तो यही तो है नंबर 4। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं और मेरे कपड़े? तुम मेरे कपड़ों में क्या कर रही हो? हाँ, अरे हम तो कह रहा हूँ यही है नंबर 4 जो सुबह से आपके घर में है। सुबह से? जी नहीं, कल रात से। तुम कल रात से मेरे घर में हो? हाँ। मेरे कपड़ों में और मुझे मालूम तक नहीं? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, कहाँ से आई तुम? ये 3 लाए थे मुझे। ये 3 तुम्हें कहाँ से लाए? हाँ, मेले से। मेले से? क्या आजकल मेले में लड़कियां बिकती हैं? बिकती नहीं मामा जी, पॉकेट में लाए हैं। चुप। तुम लोग मेले में कब गए थे? कब गए थे मेले में तुम लोग? कल रात को गए थे मामा जी। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर आओ। और मुझे सही जवाब दो कि ये सब क्या चक्कर है। लेकिन राहुल बाबू देखिए, हम तो राइट है ना, आपको 4 बच्चे दिए हैं। आप जाइए मिश्रा जी। राहुल बाबू, जब आपने हमको झूठा बोले थे ना, तो हम हार्ट के इमोशंस हो गए थे। मिश्रा जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। नॉट मेन, आपके पापा। हम राइट थे ना, प्लीज आ जाइए। नहीं नहीं, आप बोलिए हम राइट थे कि नहीं। 4 बच्चे थे कि नहीं? देखिए हम कभी झूठ नहीं। गेट आउट। ए
तुम क्यों रो रही हो भैया? अपने नसीब को रो रही बाबूजी। आप मेरी दुख भरी कहानी सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। मत रो दीदी, मत रो। माँ जी बहुत अच्छे आदमी, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अपनी कहानी बता दो उन्हें। अच्छा बताती हूँ बाबूजी। 6 साल की थी बस, सनी की उम्र की, जब मेरी माँ गुजर गई। आप शायद नहीं जानते बाबूजी, इतनी छोटी उम्र में माँ का जाया उठ जाने से क्या हो जाता है। हाँ हाँ, हाँ जानते हैं। बाप ने दूसरी शादी कर ली, घर में सौतेली माँ ले आया। वो हर रोज मुझसे काम करवाती थी मामा जी, खाना कपड़े बर्तन वगैरह वगैरह वो सब मैं दे गई। लेकिन उसने किसने? मेरी सौतेली माँ ने। हाँ। एक बुड्ढे से मेरी शादी कर देनी चाहिए। बेचारा बाप क्या कहता, वो भी राजी हो गया। लेकिन मैं घर से भाग गई, मैंने घर छोड़ दिया। देखो मत रो, देखो रो मत, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो। हाँ? ये नन्हे फरिश्ते मुझे यहाँ ले आए, 2 दिन आसरा दिया। अब आप चाहे तो निकाल दीजिए मुझे, चली जाऊंगी जहां मेरी तकदीर ले जाए। अच्छा मामा जी, अच्छा बच्चों, जाती हूँ। सुनो, इतनी रात गए तुम कहाँ जाओगी? ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ। मामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहें तो कल सुबह चली जाऊं। सुबह भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ नौकरी करना चाहो तो। क्या काम करना होगा? बस बच्चों की देखभाल और खाना पकाना। मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगा खाने पीने के साथ, चलेगा? चलेगा चलेगा। गुड, इधर आओ। अब तुम इसको अंडे मार के भगाओगे तो नहीं? हाँ हाँ, ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलो जाओ अपने कमरे में सो जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ बाहर सो चटाई लगा के? यहाँ चटाई लगा के तो और कहाँ? और कहाँ? हेलो, चलो उठो। हे सनी, सनी इधर आओ। सनी चलो उसको उठाओ, उठाओ उसको। किसको? इसको, इसको। दीदी उठो, उठो। गुड मॉर्निंग। उठिए, 7 बज गए हैं, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना है। मगर मेरे को तो खाना बनाना आता ही नहीं। क्या ये तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मैं तो कह देती लेकिन आपने पूछा ही नहीं। क्या? अच्छा तुम बच्चों को तैयार करो, मैं नाश्ता बनाता हूँ, जल्दी। बच्चों को तो तैयार कर दिया मैंने, आपकी कुछ मदद कर दो। नहीं सब हो गया। ये क्या पक रहा है? ओह ओह, पानी गर्म हो रहा है। क्या हुआ दिखाओ। चल गया। बाप रे। अयो बस हो गया दीदी। सर सर सर, एक 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 बात पूछूं सर। अभी क्या है,
वो बेबी किसके साथ पिकनिक पे गया? हजार वक्त बोला है ना, सहेलियों के साथ गई है। वो तो बोला है सर, मगर आपको यकीन है उन सहेलियों में कोई लड़का नहीं है? नहीं है, मुझे पता है। पैसे पैसे कर सर। सर वो बुरा मत मानिएगा, वो क्या हो गया है ना कि बहुत दिन हो गया इसलिए थोड़ा डाउट होता है। ए देखना देखना, देखना शायद जम गई। सनी फिर फ्रिज खोल दिया। तो आप ही बताइए ना दीदी, हमारी बनाई हुई आइसक्रीम जमेगी नहीं? अरे जमने दोगे तो जमेगी ना, बार बार फ्रिज खोल देते हो, अरे पिघल जाएगी। अभी वक्त है, थोड़ा रुक जाओ। सनी विकी मुन्नी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, ये मुन्नी के लिए, ये विकी के लिए और ये सनी के लिए। मेरे पास तो बहुत सारी फ्रॉक है, गुड़िया क्यों नहीं लाए? ये किताबें आप ही पढ़िए मामा जी, कोई बाजार ले आते। मामा जी मैं कोई बच्चा थोड़ी ही हूँ कि आप मेरे लिए मोनोपोली उठा लाए। लाना ही था तो कोई फुटबॉल लाते, सीजन बॉल लाते। चल सनी। ये लो, ये तुम्हारे लिए, तुम भी देख के नाराज हो जाओ। मेरे लिए? बहुत बहुत अच्छी है। आओ आओ दीदी, तुम भी आओ, देखो आइसक्रीम बन गई, आओ आओ। अरे वाह रेडी, ये लो खाओ। लेकिन हम मामा को नहीं देने वाले। हाँ। कितनी बकवास गिफ्ट लाए हमारे लिए। कितनी बकवास गिफ्ट लाए। तुम खाओ। कैसी है? कैसी है? कैसी है? छी छी छी, ये आइसक्रीम है बड़ी गंदी है, छी बड़ी बकवास है। हमने इतनी मेहनत से बनाई और आप इसे बकवास कह रही हैं? तो क्या हुआ, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने तो बुरा कह दिया। हमने कितने प्यार से बनाया था दीदी, अगर आप झूठ ही कह देती कि आपको अच्छा लगा तो हमें कितनी खुशी होती। इतनी ही समझ है तुम सब में, तो मामा का दिल क्यों दुखाया? गिफ्ट पसंद नहीं आया था तो तुम झूठ मूठ नहीं कह सकते थे कि अच्छा गिफ्ट लाए हैं, क्यों मुन्नी? मेरे कपड़े पहनियो, चलो जाओ वो फ्रॉक पहनो जो मैं लाया हूँ, और अंदर से मेरे कपड़े मत पहनना, समझी? और कल हम सब पिकनिक चलेंगे, ओके? साथ चलने से कि मंजिल आएगी।
बिजनेस करता है या घास काटता है? बैठो बैठो। पहले तो तुमको हमने 12 लाख रुपए एडवांस दिया और 5 लाख रुपए का कपड़ा भी दिया, अभी तुमको और माल चाहिए और पैसा भी। जी सर। अरे मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन कोई चढ़िया नहीं हूँ, समझा? ये देखा तुमने, ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, तुम्हारा मरा हुआ ब्रदर इन लॉ ने इस पे साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर 15 दिन में तुमने डिलीवरी नहीं दिया तो हम तुमको फुटपाथ पे ला सकता है और तुम्हारा घर और तुम्हारा फैक्ट्री नीलाम कर सकता है। वो तो है सर। बड़ी यहाँ क्या बैठा हुआ है, यहाँ क्यों बैठा हुआ है? जाके काम करो, काम करो और मेरा पैसा वापस दो। उठो उठो, मेरा मुखिया देखता है, जा चल जा। लेकिन सर 15 दिन में ये काम मैं कैसे पूरा करूंगा? अरे वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो तेरा प्रॉब्लम है। अब जा यहाँ से, जा। ही तो डाडो सुट्टो थियो झूले लाल, हर ही फैक्ट्री वे मुंजी थी वेंदी। Sorry. Oh. Hi, handsome. Hi. आज तो मेरे नसीब खुल गए।
अगर मैंने कुछ और भी मांगा होता तो आज वो भी। देखो माया प्लीज, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। वो कमीने ने मेरा जीना हराम कर दिया है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। कौन है जिसने मेरी जान की जान हराम कर दी है? वही बुड्ढा खुसट मोटा विदनानी, चौथे माले पे जिसका ऑफिस है। समझो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। क्यों, तुम जानती हो उसको? तुम्हें इससे क्या, मैं क्या करती हूँ कैसे करती हूँ ये मेरा काम है। अदले में तुम क्या दोगे मुझे? कुछ भी, तुम विदनानी से मेरा पीछा छुड़ा दो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो हैंसम, आप घर जाके आराम कीजिए, क्योंकि अब से आपकी परेशानी मेरी परेशानी। ओके 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 ओके, बाय बाय बाय। हाय डैड। अरे मेरी बेटी, मेरी जान की टुकड़ी। डैडी, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे हैप्पी बर्थडे बेबी। अरे ये तो बता छोड़ी कि तेरे को बर्थडे प्रेजेंट क्या चाहिए। आप खुद ही सोचिए मुझे क्या चाहिए होगा। अरे नई कार मारुति 1000। नहीं। डायमंड सेट। नहीं। अमेरिकन हॉलीडे। नहीं। अरे अरे क्या चाहिए तेरे को सोचिए। अरे हाँ, तेरे को लव हो गया है, तेरे को शादी करनी है। अब ठीक सोचा आपने। अरे भाई हमको भी तो बताओ कौन है वो। वही तो जो अभी अभी यहाँ से गया है, राहुल नाम है उसका। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा आप उसे परेशान मत कीजिए। अरे ये तो छोटी सी बात है, समझो तुम्हारा काम हो गया। वो तो मेरे एहसान तले दबा हुआ है, मैं जो भी कहूंगा उसको करना पड़ेगा, वरना मैं उसकी फैक्ट्री खा जाऊंगा, उसे फुटपाथ पे ले आऊंगा। नहीं ऐसा मत कीजिएगा, उसे और परेशान मत कीजिए। अब तो मैं उसे अपने इशारों पे नचाऊंगी। राहुल अब कहां जाओगे मुझसे बचकर? तुम मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। एक बात पूछूं सर? क्या है? अगर बेबी का गुस्सा ठंडा हो गया हो तो शादी की तैयारी शुरू कर दे। बेबी का गुस्सा ठंडा होने के लिए टाइम लगता है। अब यार बोलना, किसकी बेटी है? अफकोर्स अफकोर्स आपका सर, कृष्ण स्वामी अय्यर। बस बस, टेक योर सीट एंड नाउ लिसन टू मी। हमारा भेजा मत कहो, जब वक्त आएगा तब तुम्हारा शादी का अरेंजमेंट होगा, तब तक तुम तुम्हारा डांस का प्रैक्टिस करो। आइए बिदनानी साहब, आप भी कमाल करते हैं, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। अरे बाबा तू तो बिजी आदमी है, काम करता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाता है, अरे तेरा टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा। नहीं नहीं टाइम वेस्ट क्यों होगा, आइए आइए बैठिए। कहिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? अरे सेवा तो हम तुम्हारी करेगा, हम करेगा। उस दिन जब तुम गया ना तो हमने सोचा कि भाई आज भी सुठो आए, सेकंड चांस तो भाई मिलना चाहिए। अरे बाबा तेरे तकलीफ में हम तेरे को मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? ही वठ 15 लाख जो चेक वठी आयो है एडवांस। अरे झूलेलाल जो नालो वठ, आई कम शुरू कर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबा इसमें थैंक यू की क्या बात है, अभी नवा एडवांस दिया है तो नवा कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन कर लो नी। हाँ हाँ। अरे छोटी सी फॉर्मेलिटी। अरे राहुल बाबा पढ़ता क्या है, ये तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, अगर ऑर्डर टाइम पे नहीं आया तो तेरा घर और फैक्ट्री नीलाम करके पैसा वसूल कर सकता है। अरे तेरे जीजा जी ने भी तो यही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बल्कि इसमें मैंने तेरे को 1 महीने का मोहलत दिया है, बड़ी से साइन कर लो। हाँ हाँ, बड़ी ये हुई ना धंधे की बात। अरे झूले लाल जो नालो वट, आई कम शुरू करो। हाँ जरूर जरूर, मैं चलता हूँ। थैंक यू थैंक यू। अरे बड़ी उठता क्या को? अरे नहीं ठीक है, बैठना। अरे उठता क्यों है? बड़ी नमस्ते नमस्ते। मान गए माया, कमाल कर दिया तुमने, उस बुड्ढे पे पता नहीं क्या जादू किया, एकदम बदल गया साला। ऐसा लगे नहीं कि वो ही खूसट कंजूस बुड्ढा है जो कुछ दिन पहले मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था। अरे तुम बस देखते जाओ मैं क्या क्या बदल देती हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये बुड्ढा कंजूस खूसट कमीना साला उल्लू का पट्टा बिदनानी, तुम उन्हें गालियां मत दो प्लीज। क्यों, तुम्हारा बाप लगता है क्या? साला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गाली नहीं दूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा। ओके देखो मैं डाई मारने जा रहा हूँ। नहीं
वहां से नहीं, वो बड़े लोगों के लिए, यहीं से मारो। जाने दो ना मुझे, मुझे डायन मारने आता है। मैंने कहा ना वहां से नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी। प्लीज मुझे कुछ नहीं होगा, जाने दो ना। विकी से मत करो, तुम अभी बच्चे हो, वहां से डाइव नहीं मार सकते, समझे? चलो अंदर आओ। ये याहू पेप्सी। ए नहीं, वो विकी का पेप्सी है, यहाँ लाओ, कोई नहीं पिएगा। मिल्क शेक दे दो। कहाँ विकी कहाँ है? कपड़े बदलने गया है, लो। ये सैंडविच किसका है? हाँ सनी, विकी, विकी, विकी! विकी, तुम ठीक हो ना विकी? विकी, अरे क्या ठीक हो यार, कमाल के आदमी हो। जब बच्चे संभाल नहीं सकते तो पैदा किस लिए करते हो? अगर इसे कुछ हो जाता हम तो गए काम से ना। चलो विकी घर चलो, चलो। कमाल के, अरे कितना है? थोड़ा सा है। इधर लो। देख लिया सिद्ध करने का नतीजा? तुमसे कहा था मैंने ऊपर से मत कूदना, लेकिन नहीं, अपनी मनमानी करते रहो। आज अगर वो लाइव कट नहीं होता तो मैं मर जाता, और क्या? जाओ अपने कमरे में। क्या रहो? देखो विकी, ये रोने से गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए रो मत। तुम्हारे मामा जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए फिक्र करते हैं तुम्हारी। मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। जब देखो मेरे साथ छोटों का सलूक किया जाता है। विकी मर जाने दिया होता मुझे, नहीं जीना। विकी नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते, बस। बच्चे सो गए? हाँ। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं हार गया, हार गया मैं। और मैं एक ऐसे हारा हुआ खिलाड़ी हूं जो मैदान छोड़कर जा भी नहीं सकता। मैं क्या करूं दीदी, मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है, इस तरह डांटने से, चिल्लाने से बच्चे तुम्हारी बात समझ जाएंगे? तो क्या मैं उनकी हर बात मान लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए खुद बच्चा बनना पड़ता है। वो नादान है, ना समझ है, तुम्हें उनको समझना पड़ेगा। विकी बड़ा हो रहा है, तुम उससे बच्चों जैसा बर्ताव करते हो ना, उसे अच्छा नहीं लगता। उसकी उम्र ही ऐसी है। अब सोचो जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हें अच्छा लगता था? जब अगर तुम नहीं होती तो मैं इन बच्चों को कैसे संभालता? मामा जी सोने चलिए ना, मुझे अकेले में डर लग रहा है। अच्छा तुम चलो, तुम रुको मैं आ रहा हूं। चलो
ये तो कमाल की उड़ रही है यार। ये मेरे को देना रे, मेरे को देना। ए चुप ना, बताओ ना। ए सनी, अरे वाह, तुमने पतंग उड़ा रहे हो। अरे मैं भी बहुत अच्छी उड़ाता था। ये पतंग कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या कर रहे हो विकी, ढील दो ना, क्या कर रहे हो? अब मुझे पतंग उड़ाना भी सिखाओगे? मैं तो हर चीज गलत करता हूँ ना, मुझे तो कुछ नहीं आता। चल सनी, अपन अपनी पतंग उड़ाते हैं। अरे तुझे पता नहीं मैं क्या पतंग उड़ाता हूँ, मास्टर था मैं, मास्टर। ये देख, पहले पतंग को ऐसे लेते हैं, फिर उसको सर पे रखते हैं, अच्छा। फिर उसको यूं बेंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी ले लेते हैं। अच्छा। ये देख, ये पतंग लिया और इस पे मांझा बांधा। बांधा। अरे जब मैं पतंग उड़ाता था किसी की हिम्मत नहीं होती थी सामने आने की। हाँ चल पकड़, ये देख। अबे सब उड़ गई। ये देख, अभी दिखाता हूँ तेरे को। अबे उड़ नहीं रही है। यार ये पतंग कुछ गड़बड़ लगती है, क्या सनी? अबे मामा जी लाइए, मुझे दीजिए, और पतंग को पकड़ के वहां खड़े हो जाइए। कैसे कैसे पकड़? ये ऐसे पकड़ के वहां खड़े हो जाइए, वहां वहां। हाँ, और छोड़िए। ऐसे छोड़ू? छोड़िए। लीजिए सनी, ढील छोड़। ढील छोड़ सनी, ढील छोड़। संभाल के ला मुन्नी। अरे 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 छूट गई। अरे ये तो गई। तो क्या हुआ सनी, दूसरी पतंग ले आ। तो विकी तू बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है। अच्छा तू कन्नी कैसे बांधता है? अरे 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 बारिश 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 के अंदर चलो सनी, तुम यहाँ पे। मामा जी, अरे कैसे बच्चे हो तुम लोग, बुड्ढों की तरह अंदर भागे। अरे पहली बारिश का तो मजा लेना चाहिए, चलो बाहर आओ। अरे चलो, लगता है अपने मामा सुधर गए। मुझसे मोहब्बत
बाबा राहुल अच्छा है तेरा धंधा चल रहा है। थैंक यू सर। अरे मेंशन नॉट एनीथिंग मोर सर। बड़ी तेरे को कितनी बार बोला है कि चाय के साथ थोड़ा बिस्कुट चेवड़ा ले आया कर। चल जा यहां से। ओके सर। बड़ी राहुल तेरे को मालूम है ये आदमी जो चाय देके गया है ये कौन होता था? अरे बाबा ये तेरे जैसे गारमेंट फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था और मैं उसके यहां नौकर हुआ करता था, मगर इसको धंधा करना नहीं आया और आज मेरे यहां नौकर है। बाबा धंधों में चाय जो मौका हाथ में आवे ना उसे जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हालत ऐसी हो जाती है। सर मैं आपसे ही सीखने की कोशिश कर रहा हूं। यू आर ए गुड बॉय। अब देखिए ना आप ही की मदद से मेरी फैक्ट्री फिर से चल रही है। राहुल बड़ी आज तेरा दिन बहुत अच्छा है। पूछो कैसे कैसे। हाँ अभी देखो बाबा, मैं झूले लाल की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तेरे को बर्बाद करने वाला था, तेरे को फुटपाथ पे लाने वाला था, मगर मैंने किया नहीं। सर ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो तू उस दिन गया यहां से और मेरी बेटी आ गई। बेटी? अरे हाँ अम्मा है, मुंजी इकलौती बेटी। बड़ी उसने मुझे बताया है कि तुम दोनों पुराने दोस्त हो। अरे बाबा दोस्ती का मतलब तो मैं भी जानता हूँ, मैंने इतने साल पापड़ थोड़ी बेले हैं। बड़ी दोस्ती का मतलब ये हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, चाहते हो नी। ये सच है कि हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन। अरे बाबा शर्माता क्यों है, बड़ी मुखिया अपनी बेटी की पसंद मंजूर आए। चलो इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देते हैं, अगले संडे तुम्हारी सगाई करवा देता हूँ, चलो हाथ मिलाओ। बड़ी बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तूने देखा है वो जो चाय देकर गया था? अरे बाबा राहुल जब मार्केट में मालूम पड़ेगा कि तू मेरा जवाई है, तेरे को लोग काम देंगे, मुआ तेरी तो जिंदगी बन जाएगी। और मालूम है क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि बिदनानी सेठ अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है।
मगर वैजयंती का क्या होगा, वो मुझे प्यार करती है और मैं भी उसे प्यार करता हूं, क्या ये सच नहीं? हाँ शायद, मगर मैंने उसे कोई वादा नहीं किया है, मैंने उसे कुछ कहा तक नहीं। और इस वक्त मुझे अपने बारे में नहीं, बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और उनकी खुशी और भविष्य के लिए मैं माया से शादी कर लूं, यही ठीक रहेगा। सुनिए, अभी तक सोए नहीं, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? नहीं कुछ नहीं। शुगर डार्लिंग। नहीं कुछ नहीं। देखो माया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब जो हमारी शादी होने वाली है, तुम्हारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि मेरी स्वर्गवासी बहन के 3 बच्चे हैं जो मेरे साथ रहते हैं, और जो लड़की मुझसे शादी करेगी उसे भी उतना ही प्यार देना पड़ेगा उन बच्चों को जितना कि मैं देता हूं। ऑफ कोर्स डार्लिंग, जो भी तुम्हें प्यारा है वो मुझे भी प्यारा होगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, बस। हाँ। तो आज शाम तुम घर आ जाना और बच्चों से मिल लेना। शो 8 बजे आ जाऊं? ये तो बताइए मामा जी, कौन आने वाला है? देखो तुम लोग मेहमान के सामने ठीक से रहना। हाय। हाय। बच्चों, ये है माया। माया, ये है विकी। हाय। ये है मुन्नी। हाय। और ये है सनी। हाय। और ये कौन है राहुल, इनसे भी मिलाओ। माया, ये वैजंती है। वैजंती, ये माया। नमस्ते। नमस्ते। ये यहाँ वैजंती बच्चों की गवर्नेस है। गवर्नेस? ये कहो ना, यहाँ की नौकरानी है। ये नौकरानी नहीं है, ये हमारी दीदी है। मुझे जरा भूख लगी है, खाना खा लें? हाँ। अरे वाह, तुम्हारी नौकरानी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। होटल से मंगवाया है मैंने। अच्छा, तो तुम यहाँ क्या करती हो? वो हमें अच्छी लगती है ना, इसलिए वो हमारे साथ रहती है। और जो हमें अच्छा नहीं लगता हम उसे इस घर में नहीं रहने देते, क्यों विक्की? सनी, तुमसे कितनी दफा कहा है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते, चलो खाना खाओ। लेकिन राहुल, शादी के बाद तो हमें खाना पकाने वाला रखना पड़ेगा ना। हाँ, मैं बताने वाला था कि मेरी माया के साथ मंगनी होने वाली है और फिर शादी। हाँ
अरे बेटी, तेरा डिनर कैसा था? डिनर तो अच्छा था पापा, लेकिन राहुल के साथ उसकी बहन के 3 बच्चे भी रहते हैं, वो मुझे नहीं अच्छे लगे। मैं क्या शादी के बाद उस भीड़भाड़ में रहूंगी? अरे बाबा, फिक्र क्यों करती है, पहले शादी तो कर, उसके बाद 3 बच्चों को हॉस्टल भेज देंगे। हाँ पापा, ऐसा जरूर करना, वरना मैं वहां बहुत बोर हो जाऊंगी। अरे तू फिक्र मत कर, तेरा पापा है नी, चल ले पापड़ खा बेटी। वेरी गुड। लाओ छोड़ो, मुझे दो। नहीं नहीं ठीक है। नाराज होना मुझसे? हाँ नहीं। मैं जानता हूं मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था माया के बारे में। क्यों, मुझे बताने की क्या जरूरत है? मैं तो नौकरानी हूं ना घर की। Thank you.
मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आऊंगा। बच्चों को खाना खिला देना, घर की चाबी। पूछोगी नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं? कहाँ? आज मेरी मंगनी है माया के साथ, वहीं जा रहा हूं मैं। आप क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो आप? तुम्हें से क्या? जाओ यहाँ से। क्यों जाए हम यहाँ से? जब कभी हम रोते थे तो आप हमें चुप कराती थी, और अब जब आप रो रही है तो आप कहते हैं कि हमें इससे क्या। तुम्हारे मामा मामा की सगाई हो रही है। ए विकी, सगाई क्या होता है रे? दफर, सगाई का मतलब मामा जी की शादी हो रही है किसी से। तो मामा जी की शादी हो रही है ना, ये क्यों रो रही है? क्योंकि ये मामा से प्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है ना? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, उनकी सगाई अभी हो रही है, अभी अभी। Yes! Enjoy, gentlemen, everybody enjoy. खा दो भाई। अरे विस्की के बाद खाना खा के जाना, खाना खा के जाना। थैंक यू, एक मिनट। माया अच्छे टकरो कर मत यार। Ladies and gentlemen, एक मिनट। आज बिदनानी सेठ बहुत खुश है क्योंकि आज मेरी प्रिटी बेटी माया की मंगनी है। थैंक यू। और अभी मैं तुम सबको अपने फ्यूचर सन इन लॉ राहुल से मिलाऊंगा। राहुल? अरे राहुल अच्छे ना? अरे अच्छा छोड़ा, दिखता क्या है? अरे बाबा वेलकम राहुल। थैंक यू। अरे अपने धंधे का ही आदमी है, सुठो पुटाए बेचारो सुठो आए। और अब मेरा फ्यूचर सन इन लॉ राहुल मेरी प्रिटी बेटी माया को ये एंगेजमेंट रिंग पहनाएगा। रिंग पहना राहुल, रिंग पहना। अरे देखो रूबी का रिंग है, रूबी का। थैंक यू। अरे रिंग पहनाना। अरे माया इतने अच्छे। अरे वो फोटोग्राफर कहाँ गया? अरे मुआ तू क्या करता, इधर आना फोटो ले। ठहरो, ये मंगनी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये मंगनी। अरे बड़ी तू कौन है? बड़ी हम बताते हैं, ये है हमारी मम्मी और ये है हमारे पापा। हमारी मम्मी और हम इन्हें अच्छे नहीं लगते, इसीलिए ये दूसरी शादी करने जा रहे हैं। वैजयंती, ये सब क्या हो रहा है? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ स्वामी, कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या गलती हो गई मुझ गरीब से? क्या? आपने मुझे अपने घर में नौकरानी बना कर रखा, मैं चुप रही। आपने अपने बच्चों को अपना बच्चा कभी नहीं कहा, मैं चुप रही। मैं आज तक चुप रही हूँ, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। देखिए, मैं आपको अपने जीते जी इस डायन से शादी नहीं करने दूंगी। पापा, मम्मी, मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, हमें छोड़ के मत जाओ। मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, भैया अपनी जाती हुई दुखियारी बहन को जाते जाते एक ग्लास पानी तो देते जाओ। ये लो बहन। मैं जा रही हूँ स्वामी, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मेरे जाने के बाद इस चढ़ेल से शादी कर लेना। मम्मी, मम्मी नहीं, नहीं बच्चों, छोड़ दो मुझे, मैं जा रही हूँ। चलो चलो, आपको लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे स्वामी।
चलो स्वामी, क्या कर रहे तुम लोग? चलो ना प्लीज, छोड़ो मेरा पैर। अरे बात हो गया, मैं कहता हूँ छोड़ो मेरा पैर। मैं बोलता हूँ बात हो गया। राहुल तुमने मेरे को धोखा दिया, मेरी प्रीति बेटी को धोखा दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मेरा रूबी रिंग दे, रूबी रिंग दे। चलो जाओ, गो हटो, जाओ यहाँ से, चलो सब जाओ। बड़ी तुम लोग मेरा मुखिया देख रहे हो, चलो घर जाओ, पार्टी खत्म, खादो बंद, दारू वारू कैंसल कैंसल, जाओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम लोग ने ऐसा क्यों किया। शरारत की भी कोई हद होती है, जानते हो तुम लोग की वजह से मेरी वहां पर कितनी बेइज्जती हुई है। और तुम वैजयंती, ये तो बच्चे हैं, नादान हैं, तुम्हें तो सोचना चाहिए था, तुम्हें इनके मजाक में शामिल होने की क्या जरूरत थी? जवाब दो मुझे। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ये नहीं देख सकती कि तुम्हारी शादी किसी और से हो। मत जाओ ना दीदी प्लीज, हमें छोड़ के मत जाओ ना दीदी प्लीज। दीदी जा रही है मामा जी, रोको ना उसे प्लीज, हमारी खातिर प्लीज मामा जी। क्या है? तुम लोग अंदर जाओ। सनी समझ गया, मां समझी व्यस तुम क्या सोचता है कि कल रात के लफड़े के बाद बड़ी बिदनानी यहां पर क्या कर रहा है। अरे बाबा बताता हूं ना, बताता हूं बड़ी, हमने भी तो पता कड़वाया है। वो तुम्हारी बीबी थोड़ी है, वो तो तुझी नौकरानी आए नौकरानी, और वो बच्चे तुम्हारे थोड़ी है, वो तो तुम्हारे बहन के बच्चे हैं। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अरे बाबा तुम भी भूल जाओ और हम भी भूल जाए। चलो अपनी बेटी की खातिर तुमको माफ भी कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना छोड़ा, अगर नौकरानी घर के अंदर आवे और मेम साहब बनने के ख्वाब देखे नहीं तो डाटे लफड़े जी बात है, बहुत डेंजर की बात है। अब बच्चे उसके नजदीक आ जावे तो क्या हुआ, उसका एडवांटेज लेगी क्या मुई? मां बधंदो कंदो आए मुख्य खबर आए, मेरी बात सुनो, आने इसी वक्त उसे घर से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, मुख्य खबर आए। वैजयंती इधर आओ। बिदनानी साहब, ये लड़की इस घर में नौकरानी नहीं है, ये इन बच्चों की मां है, बड़ी बहन है, दोस्त है। ये इन बच्चों के लिए क्या है शायद आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। और जहां तक वैजयंती के घर छोड़कर जाने का सवाल है तो सुन लीजिए, ये यही रहेगी, इसी घर में रहेगी। घर छोड़कर जाएंगे आप अपनी बेटी के साथ। क्या? जी हाँ, क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं और इससे शादी करने वाला हूं। नॉक इट आउट। अरे तू तो चढ़िया हो गया है रे, तू तो चढ़िया हो गया है। जो हो सके वो कर लेना, नॉक इट आउट। तेरे को मालूम नहीं तू क्या बोला, तेरे को मालूम नहीं तूने मेरे माया का दिल दुखाया, तूने मेरी माया को रुलाया। अरे तू मेरे को जानता नहीं है राहुल, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे मुआ मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा, तू बिदनानी का गुस्सा नहीं जानता है। मैं तेरे को सड़क पे ले आऊंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, नंगा कर दूंगा तुझे राहुल। तूने मेरी माया को रुलाया, अरे मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू हंसता है, तू हंसता है। अरे तू चढ़िया हो गया है क्या? और तू नौकरानी, तू क्या हंस रही है? तू इसके साथ भीख मांगेगी ना सड़क पे तो हम हंसेंगे, हम हंसेंगे। हे
अंडा ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீ அவங்களை வெளியிலே அனுப்பின விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்க போயிட்டாங்க. நீ ரொம்ப நல்லவாள், நீ ரொம்ப தைரியமான ஆளு, நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. ஐயோ நான் உன்னை காதலிக்கிறேன். நீ கே கே ரஹி ஹை? அப்பா மே கே ரஹி ஹூன் கி மே जरूरी है पास आने
कसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो। बिना किसी यार के जाने जा, ये प्यार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, 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 हाँ दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का। ये बिगनानी के साथ तुमने जो ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो साइन करने से पहले तुमने पढ़ा था? पढ़ा तो था, लेकिन उस वक्त और कोई चारा भी नहीं था। पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि शायद मैं कोरे कागज पर भी साइन कर देता। पति गयूं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर 15 दिन के अंदर तुमने उसका 1,00,000 शर्ट का ऑर्डर कम्प्लीट नहीं किया ना, तो वो पैसा वसूल करने के लिए तुम्हारा फैक्ट्री, तुम्हारा घर सब नीलाम कर देगा। कोई तो रास्ता होगा। दो रास्ते हैं, या तो उसका 1,00,000 शर्ट का जो ऑर्डर है वो 15 दिन के अंदर पूरा कर दो, नहीं तो उसका रकम ब्याज समेत वापस कर दो। बस वो खुदाई बचाओ, बचाओ खुदाई। क्या आज तक फैक्ट्री में हम 24,000 शर्ट रेडी किए हैं? अपनी नॉर्मल स्पीड से 1,000 शर्ट भी हम रोज बनाएंगे तो 15 दिन में 1,00,000 शर्ट नहीं बनेंगे, चाहे हम कितना ही जोर लगा लें। जोर तो लगाना ही पड़ेगा मिश्रा जी। अगर हम 3 शिफ्ट काम करें और रोज के 5,000 शर्ट बनाएं, तो 15 दिन में 75,000 शर्ट बन सकते हैं। लेकिन भर्कस को 24 आवर काम करने के लिए समझाएंगे कौन है? और आप तो जानते ही हमारे भर्कस को कैसे हैं वो, आप तो देखे हैं ना। इसके अलावा धागा, बटन, खाना वगैरह सब लगेंगे, उसके लिए पैसे कौन देंगे बोलिए? इसलिए हमने फाइनल थिंकिंग किया है कि बिदानी साहब के पैसे वापस कर देंगे और उनसे पीछे छुड़ा लेंगे। दिस इज ऑल फर्स्ट। लेकिन इतने पैसे उनको देगा कौन? आपा इंग आपा अदवी पंडवरे सी स्टॉकिंग भाट। कितने पैसे चाहिए? वैजंती यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, तुम प्लीज चाय बनाओ। मैं जानती हूँ, कितने पैसे चाहिए? लाखों। अरे अप्पा के लिए 20-30 लाख तो कोई बात ही नहीं है, मामूली सी बात है। हाँ। सी स्टॉकिंग भाट। देखो वैजंती, ये पागल होने का वक्त बिल्कुल नहीं है। हाँ? अब तुम जाओ प्लीज, कम ऑन। देखिए मिश्रा, मगर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं नौकरानी हुई नहीं, नौकरानी नहीं हूँ। ये तो मैड लगते हैं, डॉक्टर को बुलाए। देखो वैजंती, हमने तुम्हें नौकरानी कभी समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा नौकरानी तुमको। अब तुम नीचे जाओ और देखो बच्चे क्या करें, जाओ। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तुम जरा मेरे साथ आओ। यंग कड़वा। हेलो, मैंने आपकी डिलीवरी भेज दी। विजय लक्ष्मी आप आएंगे? ठीक। अम्मा वैजयंती, मैं फोन करूंगा। ये बंदूरी अम्मा। अप्पा ये बंदूरी अम्मा। ये लड़का कौन है? अप्पा आप अंदर चलिए ना, मैं सब बताती हूँ। राहुल लल्ले वा, अंदर आओ ना। वांग अप्पा। Here you are my boy, पूरा 10,00,000 का चक। Thank you अप्पा, thank you। Thank you sir। Sir मुझे कौन से papers पे sign करना होगा? Well not necessary, paper sign करने का जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आत्मीय को देके पैसे देता हूँ। Thank you sir। Sir मैं आपके एक-एक पाई लौटा दूँगा। उसका जरूरत नहीं है, but एक शर्त है। तुम वैजयंती को भूल जाओ। तुम्हारा शादी वैजयंती के साथ नहीं कर सकता। अप्पा, लेकिन क्यों? क्योंकि
वो हमारे जात का नहीं है। He is not an ayer. तुम सिर्फ एक ayer चोकरे को शादी करेंगे, अंडरस्टैंड? अब्बा लेकिन नहीं, वाय मुड़े। तुमको वजह से शादी नहीं कर सकता है। मिस्टर अय्यर, मैं आपसे मदद मांगने आया था, अपने प्यार का सौदा करने नहीं। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं। Don't be a fool, राहुल। ये पैसा रख लो, इसमें तुम्हारा भलाई है। तुमको वजह से कुछ शादी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अभी जैसे घर से बाहर नहीं जा सकती है। ये आपके और वैजयंती के बीच की बात है। वैजयंती, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। अब्बा, मेरी शादी राहुल से क्यों नहीं हो सकती? क्या बुराई है उसमें? बुराई कुछ नहीं है, वो अच्छा चोकरा है, बट लेकिन वो हमारे जात का नहीं है। तुम सिर्फ एक अय्यर चोकरे शादी करेंगे, अंडरस्टैंड? ये तो पार्तालुम अय्यरा अय्यरा अय्यरे। अब्बा, ना कल्याण पन्ने इरंदाल राहुल दा पन्नुवेन। नी राहुल कल्याण पड़ी किटे सत्तेर पैसा कुड़क माटे। उंग पणम वेंडाम, नीगे एने तर्क मुडियादु। पैसे नी दिन रात एक करने से कुछ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, एक तो हमारे पास टाइम कम है, दूसरा काम शुरू करने के लिए हमको कम से कम 60-70 हजार रुपए चाहिए। 60-70 thousand, बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, ये सब कहां जाएंगे? अभी बोलिए। अगर हमारे भरकार 24 घंटे काम करेंगे तो हमको उनको दुगनी चौगनी पगार देनी पड़ेगी, और आज ही पगार का दिन है, पे डे। बोलिए बोलिए, आप सब ये कहां से आएंगे, बोलिए। इसके अलावा धागा, सुई, बटन, कच्चा माल, ये बिजली का खर्चा, ये सब कहां से आएंगे? जापान से? राहुल, हमारी तकदीर में जुदाई लिखी है। बात कड़वी है लेकिन राइट बोलती है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आज आपकी पगार का दिन है, लेकिन पगार देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं, बल्कि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। आपकी मदद चाहिए मुझे। आप लोग शायद जानते हैं कि पिंदानी साहब की 1 लाख शर्ट्स का ऑर्डर हम लोग वक्त पे पूरा नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा हुआ तो ये फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोग दिन में 8 घंटे के बजाय 16 या 20 घंटे काम करें। जो जितना काम कर सकेगा उतना अच्छा होगा, जो नहीं कर पाएगा उससे कोई गिला शिकवा नहीं। इसके लिए मैं आपको 3 गुना ज्यादा पैसे भी दूंगा, लेकिन आज मैं कुछ नहीं दे सकता। आज मेरे पास कुछ नहीं है। पूरे पैसे मैं आपको शर्ट्स की डिलीवरी के बाद ही दे सकता हूं, अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो। मुझे भी अजीब लग रहा है, मैं मालिक होकर आपको कुछ देने के बजाय आपसे कुछ मांग रहा हूं। बहुत छोटा लग रहा हूं ना मैं आपके सामने हाथ फैलाते हुए? नहीं साहब, लोग तकलीफ में तो अपनों से मांगते हैं साहब, और आपने हम लोगों से मांगकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। हमें अपना समझाए साहब, बहुत अपना समझाए साहब। मैं आपके लिए 16 घंटे काम करूंगी साहब। हाँ, मैं 20 घंटे काम करूंगी सर। हाँ सर, मैं भी काम करूंगी। मैं भी तैयार हूँ सर। मैं भी तैयार हूँ सर। मैं भी तैयार हूँ सर। मैं भी सर। देखा रहूँ सर, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ, सब आपके साथ हैं। ये क्या सर, आपको पैसों की जरूरत थी ना, ये रख लीजिए, बाद में दे देना। नहीं रोशनी, जिस चीज की जरूरत थी मुझे वो आप लोगों ने मुझे दे दी, आपका साथ। अब मैं दुनिया से लड़ लूंगा। क्यों मिश्रा जी, क्या आपके जापान में ऐसा होता है?
नहीं साहब, ऐसा तो ओनली अपने इंडिया में होता है साहब, ओनली अपने इंडिया में। देखिए मिश्रा जी, जी ये माल लेकर आप सीधे बिंदानी साहब के ऑफिस जाइए। हाँ। और माल पहुंचाने के बाद हाँ। उनका सिग्नेचर इस पेपर पर लिखिए, समझ गए आप? डू नॉट भरी डियो, हम सब जानता हूँ। हाँ। आप बेफिक्र रहिए। अरे फिक्र करनी पड़ती है क्योंकि वो बिंदानी मौका ढूंढ रहा है नीलामी करवाने का, तुम उसे नहीं जानते। देखे, देखे, हम सब जानता हूँ, आप हमको जाने दीजिए। मेरे घर आइए, आप सब वहीं जा रहे हैं। ओके बाय, हम जाता हूँ, आता हूँ। गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। नमस्कार, हेपन भाट, बात क्या है? साहब से बात करने का। ए, नीचे उतर, चले बाहर निकाल। ठीक है ठीक है, और अपना लाइसेंस देखा। खुली ना, खुली तो। हाँ चल। क्या लाइसेंस देखा? ऐसा निकलो साहब। हेपन भाट, बात क्या है? हमें इंफॉर्मेशन मिली है तुम्हारी गाड़ी में स्मगलिंग का माल जा रहा है। कैसी बात करते हैं सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारी गाड़ी में तो सिर्फ सर्टिफिकेट है, कमीज ऐसी कमीज, बस। दिखाइए खोल के। देखे देखे, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, हमको जाने दीजिए प्लीज। दिखाते हो या बंद कर? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए खोल के दिखाइए। देखिए देखिए, हम लोग स्मगलिंग नहीं करते हैं, नंबर दो का काम नहीं ना करते हैं, हम लोग सिर्फ ना ओनली शर्ट बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शर्ट बनाते हैं। देखिए इधर भी शर्ट है, इधर भी शर्ट है। अरे चलो लगा। अरे बड़ी सारा दिन कुर्सी लगाएगा क्या? बिंदानी साहब, जल्दी कर, ये सब क्या हो रहा है? नीलामी, अरे तेरे घर और फैक्ट्री जी नीलामी थी। लेकिन हमने तो माल आपके ऑफिस भेज दिया है अभी कुछ देर पहले। अरे अरे मैजिस्ट्रेट साहब, ये छोड़ा फिर से झूठ बोल रहा है। ऐसे कुछ महीनों से ये झूठ बोलकर मुझे तो बर्बाद कर दिया, पूरा नुकसान कर दिया मेरा। मैजिस्ट्रेट साहब, हमारी फैक्ट्री से माल निकल चुका है, अब तक तो इनकी ऑफिस में पहुंच भी गया होगा। अरे बाबा, जब माल बना नहीं है तो पहुंचेगा कैसे? अरे अरे भेजा है तो मुखे रसीद तो देखार, रसीद कितने आए? अरे रिसीट लाने में आदमी को वक्त लगता है कि नहीं? सब रिसीट आ रही है, आ रही। बड़ी मैजिस्ट्रेट साहब, ये फिर से बहाना बना रहा है। अभी बोलेगा कि रसीद भेजा है, फिर बोलेगा कि माल भेजा है, फिर बोलेगा कि माल चल गया, और फिर बोलेगा कि माल चोरी हो गया। राहुल बाबू, हमारे संग बहुत बड़ा चीटिंग हुई है। कुछ गुंडा लोग पुलिस का कपड़ा पहनकर हमको धोखा दिया है, फिर हमारा टेम्पो माल के साथ चोरी करके ले गए।
चोरी है? हमने तुमको क्या बोला था? अभी बोलता सारा माल चोरी हो गया। अरे भेड़ा, जब माल बना नहीं था तो चोरी कैसे हो सकता है? बिदनानी, मैं जानता हूँ इसमें तेरी कोई चाल है। मेरी चाल? बड़ी मेरी चाल कैसे है? मजिस्ट्रेट साहब, ये नीलामी नहीं हो सकती, इसमें जरूर उसकी कोई साजिश है। बड़ी नीलामी क्यों नहीं होगी? जस्ट अ मिनट। देखिए भाई साहब, अभी आपके पास 2 घंटे का वक्त है। आप जो कुछ करना चाहें 2 घंटे के अंदर कर सकते हैं। ठीक 12 बजे नीलामी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। लेकिन इज राइट, हमें माल कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा। ठीक है बेदानी, 12 बजे से पहले मैं माल लेकर यहाँ पहुँच रहा हूँ। अरे चल चल, बड्डो आयो माल लेकर आएगा, चल हट, चल चल जा। वकील साहब आप यहीं रुके, मैं आता हूँ। आइए आइए, हम बताता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आरटीओ ने आपकी गाड़ी और माल दोनों लूट लिए? देखिए, वो आरटीओ के भेस में गुंडे भी हो सकते हैं। आप जरा कार्रवाई जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी देखो, कार्रवाई वैसी होगी जैसी हम चाहेंगे, तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं, हम आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करना है जरा जल्दी कीजिए, वायरलेस पे मैसेज भेजिए, सर्च पार्टी भेजिए, ताकि टेम्पो के बारे में कुछ तो पता चले। तुम हमें फिर सिखाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, लगता है इंस्पेक्टर पैसे खाता है। ए, क्या बोला तुम? कुछ क्या कहा तुमने? इन सबको बाहर निकालो। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। क्या बेइज्जती करते हैं? अरे भाई लफड़ा क्या है, मामला क्या है बताओ भी तो सही। अरे माल चोरी हो गए हैं। चोरी? अरे इन पागल बच्चों के घर में चोरी? चोर की हिम्मत कैसे हुई इनके घर में घुसने की? अरे घर से नहीं हुए हैं, घर से नहीं हुए हैं, रस्ते से। अच्छा? पूरा का पूरा माल भरा टेम्पो लेके गायब कर दिए हैं। ओह, अरे तो फिर इधर पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? कोने में आओ, मेरे पास आओ, इधर कोने में आओ, आओ, आओ। ऐसे ही आओ ना। नहीं। अब बताओ कौन से एरिया में हुआ, उसका हुलिया क्या था जिसने तुम्हारा टेम्पो पार कर दिया? एसबी रोड में। आप कौन है? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। आपका नमक खाया है, नमक हरामी थोड़ी करूंगा। नमक? नमक कब खाया आपने? अजी वो जिस रात को मैं आपके घर चोरी कर जाने दीजिए, आपको इससे क्या लेने देना। आप ये बताइए कि ये सब कहां हुआ? एसबी रोड खार में हुए हैं। अच्छा जी, उसका हुलिया? एक लंबा चौड़ा आदमी आरटीओ का भेस बदल के हमको लूट लिया है। अच्छा, लंबा चौड़ा आदमी, उसके बाएं गाल पर मस्सा था? हा, हा। और बात करते वक्त हकलाता था? हकलाता था, हकलाता था। बहुत सही बोलते हैं आप। अरे वो अपना उस्मान चमन चिल्ली। आप जानते हैं उसको? हाँ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आओ आओ मेरे साथ, अभी मिलाई देता हूँ। चलिए चलिए, माल मिल गया। चलो बच्चों चलो, चलिए चलिए आइए, चलते हैं। सेठ जी अच्छो अच्छो, हाँ ही आए ही आए। यही वो बंगलो है नीला क्या यही टेम्पो है वो? हाँ यही वो टेम्पो है। चमन चिंदी, ये किसका माल मार के लाया है रे? अबे कौन है रे? अबे मैं छोटिया। छोटिया इधर पलटन को लेके क्या कर रहा है? चल निकल। अरे अपन यहाँ निकलने के लिए नहीं आया क्या, समझा? ये लोग का माल है, अभी शाना बन और माल हवाले कर दे, नहीं तो नहीं तो क्या है? नहीं तो क्या, चल निकल पतली गली से। अबे तेरी तो। देखिए भाई साहब, ये टेम्पो में जो माल है ना, उसे हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, दिन रात एक करके। अब अगर ये माल अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचाएंगे तो इन बच्चों का घर जो है वो नीलाम हो जाएगा। इसलिए प्लीज आप हमें ये माल वापस दे दीजिए, प्लीज। पकाता है यार, चले भाषण बंद कर और
चलता बन। देखिए अगर आप सीधी तरह नहीं मानेंगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमारे साथ जबरदस्ती करेगा? अबे साले, ऐसी मार मारूंगा कि घर के साथ तू भी नीलाम हो जाएगा, समझा? मामा जी जाने दो, धुलाई हो जाएगी। सुना बच्चा क्या बोल रहा है, चल फूट यहां से, चल निकल। देखिए आप गलती कर रहे हैं राहुल। देखो गलती तुम कर रहे हो, ये मवाली लोग हैं, बड़े खतरनाक हैं, इनसे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। राइट बोलती है ये, वापस चलते हैं, पुलिस को लेकर आते हैं, ये पुलिस का काम है। देखिए भाई साहब हमको माफ कर दीजिए, हम वापस जाते हैं। आइए चलिए। मिश्रा जी मैं ये टेम्पो लेके जा रहा हूं, अगर आप में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो आगे क्या होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। अगर तू यहां से एक कदम भी टेम्पो की तरफ बढ़ाया ना तो उसके बाद तेरा क्या होगा, उसके जिम्मेदार हम भी नहीं। Hey, Marasco! मिश्रा जी, चिंग मिंग चाओ स्कूल ऑफ जूडो एंड कराटे, थर्ड डिग्री ब्लैक बेल्ट। आप तो कंट्रोल कर दिया, ऐसा लगता है कि आप भी हमारी तरह जापान रिटर्न है। चलो जल्दी चलो, टेम्पो में बहुत बहुत कम है, इसको चमन उतर गया। बनते हैं शुरू करो। वकील साहब अब आपको कोई एतराज तो नहीं? लेडीज एंड जेंटलमैन, नीलामी की कार्रवाई शुरू की जा रही है। अरे विकी, अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। बयालीस लाख तो मारी 43 लाख। पैतालीस लाख 48 लाख। पचपन लाख। ये आप क्या कर रहे हैं? वाह बड़ी क्या बात है।
56 लाख 57 लाख अरे क्या हो गया भैया निकल गया कैसे हो गए ओह गॉड अब क्या करेंगे राहुल बाबू क्या सोचते हैं कैसे करेंगे ईशा जी आपका जिंदगी में कुछ कर दिखाने का ये एक ही मौका है मतलब जापान में आपने जापानी तो सीखी होगी ऑफ कोर्स तो फिर जाइए और उनको समझाइए हमको उनकी बस कुछ देर के लिए चाहिए माय फ्रेंड माय फ्रेंड कोनिचीवा कोनिचीवा कुकी नेन कुकी नेन बीफ का ईशा जी आप झुकते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे बस चाहिए तो आप सब झुकिए कोनिचीवा कोनिचीवा बीफ का मारो 60 लाख हाँ ये हुई ना बात 60 लाख 60 लाख 1 60 लाख 2 65 लाख 65 लाख वाह कमाल हो गया राहुल बाबू गाड़ी तेज चलाइए ना हम बहुत लेट हो गए हैं 70 लाख 74 लाख ये क्या करते हैं राहुल बाबू 80 लाख 82 लाख 85 लाख 90 लाख 90 लाख वाह वाह ये हुई ना बात आगे बढ़िए जनाब और कोई है बोलने वाला 90 लाख 1 90 लाख 2 90 लाख ठहरो रोक दो ये नीलामी रोक दीजिए हम माल लेके आ गया हूँ पर ये लोग कहाँ से आ गए मिनिस्टर साहब ये रहा हमारा माल जो चोरी हो गया था और ये रहा कमीना बिदनानी जिसने चोरी कराई थी अरे देखो धक्का देता है ये लड़का खोटा है बड़ा झूठ बोलता है बड़ी मैं तेरा माल क्यों चोरी करवाऊंगा क्यों चोरी कराएगा ये नीलामी कराने के लिए और क्यों क्या तूने पैसे नहीं दिए थे चमन चिंदी को हमारा माल चोरी करने के लिए तू चढ़िया हो गया है क्या ये चमन चिंदी कौन है अच्छा मिश्रा जी लाइए उसको भी लाता हूँ हम भी लाता हूँ बड़ी देखो देखो अभी दिखा दो इधर लाओ क्या कर रहे हो छोड़ो अरे तू कौन है कौन है तू चलो बताओ हम बेकसूर है सरकार हमने कुछ नहीं किया इस आदमी ने हमें पैसे दिए थे ये माल चोरी करवाने के लिए बड़ी हराम खा रहा है झूठ बोल रहा है अरे देखो ये दूसरा झूठा निकल आया है ये सब झूठ क्यों बोलने लगे मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रहे हो बड़ी तू भी चढ़िया हो गया है क्या यू शट अप मिस्टर बृंदानी ये केस पुलिस का है पुलिस और इसकी पूरी छानबीन पुलिस करेगी नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर अरे तू क्यों रोती है मैं उन्हें बिदनानी चाहो यहां से मैं तुम सब लोगों को देख लूंगा चल अरे राहुल मैं तेरे को छोड़ दूंगा हां चल निकल यहां से मैं तेरे को छोड़ रहा हूं अरे मैं सबको देख लूंगा बिदनानी सबको देख लेगा अबे जा जा बड़ी मोह राहुल मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा और छोड़ तू काय को हंसती है मिश्रा जी अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक प्रॉब्लम है नो नो सर आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज आई सेड नो अग्री पंडंगा पा प्लीज नी वाया मोड डाकिया हम जापान रिटर्न हूँ फिर भी आपसे विनती करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ दरखास्त वगैरह वगैरह सब करता हूँ प्लीज मान जाइए प्लीज ए चाचा क्यों भाव खा रहा है मान जाए ना हाँ कर देना यार ए चुप सर इस उम्र में जिद करनी अच्छी नहीं है हाँ कह दीजिए ना बच्चे खुश हो जाएंगे इतना खूबसूरत छोकरा है हाँ कह दीजिए ना हट जा नी गुड़वा सर हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर प्लीज मान जाइए ना सर प्लीज प्लीज मान जाइए ना सर पैर पड़ते हैं प्लीज मान जाइए ना हाँ सर हम आपकी पूजा करते हैं प्लीज मान जाइए ना प्लीज सर प्लीज मान जाइए ना मान जाइए ना प्लीज नाना जी मान जाइए ना प्लीज नाना जी प्लीज मान जाइए
ओके बट 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 वन कंडीशन, ये शादी हमारा साउथ इंडियन स्टाइल में होगी। चलेगा। की नजर जब तक ना पड़े आशिक की नजर।